हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको यामाहा रे सेट आर 125 BS6 मॉडल का रिव्यू करूंगा और आपको इसके कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 125 cc का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिल जाता है, जिसका मैक्सिमम पावर 6500 RPM पे 8.2 PS है और मैक्सिमम टॉर्क 5000 RPM पे 9.7 Nm है। फ्रेंड्स, इस स्कूटर में आपको किक और सिर्फ दोनों ही स्टार्ट मिल जाता है। ये FI इंजन है, यानी कि ये फ्यूल इंजेक्शन इंजन है और यहाँ पे आपको ड्राई सेंट्रीफ्यूगल क्लच दिया गया है। इग्निशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन है, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, गियर बॉक्स CVT है। अगर हम लोग इंजन के सिलेंडर के बोर और स्ट्रोक की बात करें तो बोर 52.4 mm का है और स्ट्रोक 57.9 mm का है। कंप्रेशन रेशियो 10.2:1 का है। एमिशन टाइप BS6 है, यानी कि ये BS6 एमिशन को फुलफिल करता है। फ्रेंड्स, आगे चलकर अगर हम लोग उसके चेसिस और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और रेयर में यूनिट स्विंग सस्पेंशन दिया गया है। फ्रेंड्स, इस स्कूटर का माइलेज जो है वो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने टेस्ट किया है और उनके अकॉर्डिंग जो माइलेज है वो 66 kmpl का है। टायर्स और ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट टायर 90x90/12 का दिया गया है और रेयर टायर 110x90/10 का दिया गया है। ट्यूबलेस टायर इस स्कूटर में आपको मिल जाएगा। फ्रंट और रेयर दोनों ही व्हील का साइज 254 mm है। अलॉय व्हील यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। फ्रंट ब्रेक का डायमीटर 190 mm है। रेडियल टायर यहाँ पे दिया गया है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो यहाँ पे हैलोजन हेडलाइट दिया गया है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी दिया गया है जिसकी कैपेसिटी 12 वोल्ट और 5 एम्पियर है। यहाँ पे आपको लो ऑयल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फीचर्स और सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, शटर लॉक भी दिया गया है, ऑप्शनल में चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, कंसोल, ये सब आपको डिजिटल दिया गया है। पास स्विच भी आपको इस स्कूटर में मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके डायमेंशन और कैपेसिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर का जो लेंथ है वो 1880 mm का है, विथ 750 mm का है, हाइट 1190 mm का है और आप इस स्कूटर में 5.2 L इसकी फ्यूल की कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक की। सैडल हाइट 785 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm है, व्हील बेस 1280 mm है, कर्व वेट 99 kg का है और अंडर सीट जो स्टोरेज इस स्कूटर में दिया गया है वो 21 L का दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थे इस शानदार से दिखने वाले यामाहा रे ZR 125 BS6 मॉडल का, जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक के साथ आता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बाकी भी स्कूटर्स का रिव्यू किया है लेकिन ये जो स्कूटर है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, स्टाइलिश है, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया गया है जो इकोनॉमिकली बहुत ही करेक्ट दिया गया है और शानदार यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से ही ये स्कूटर जो है वो लुकने में बहुत ही शानदार रहता है। जो कलर का शेडिंग भी यहाँ पे दिया गया है, रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही बढ़िया देखने को लगता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस स्कूटर के प्राइस की बात करें तो जो ऑन रोड प्राइस है रे ZR 125 ड्रम वेरियंट का वो है 83990 और जो डिस्क वेरियंट है उसका प्राइस है 86990। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्कूटर कैसा लगा, इसका BS6 वेरिएंट कैसा लगा, आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस स्कूटर को लेने की सोच रहे हो तो आई एम श्योर आज की इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।